अगर एक मिनट 8:01 पे बच्चे की एंट्री है, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। समस्या यह है जी, सवेरे मॉर्निंग च मेरी वाइफ ने 6:30 आके इन्हों इनफॉर्म किया है कि मेरी बच्ची नू रात का बहुत ज्यादा फीवर है 103-104, पर बच्ची चाहती है कि मैं एग्जाम दवा, और आके असी परमिशन लेके गए वाइस प्रिंसिपल तो कि असी बच्चे नू लेके आवांगे। वो कहंदी नहीं, असी हाफ एन आवर ना ज्यादा दे सकते ना घट दे सकते, तुसीं टाइम सिर लिया, और असी बच्चा टाइम सिर लिया और अंदर एंट्री नहीं दी, और असी हुण गल कर रहे हैं तो सानू किसी तरह, और साढ़े बाद आने वाले बसेस जिहड़े बच्चे ते खराब सी उहदे बच्चे एंटर कराते, क्यों? क्योंकि वो इन्हां दी प्रॉब्लम है, वो इन्हां दी प्रॉब्लम है क्योंकि इन्हां दे व्हीकल खराब हुए ने, उन्हां नू एंट्री दवाती, पर साडा बच्चा बाहर रो रहा, बीमार है, बैठा होया बेचारा, सिर्फ इन्नी परमिशन मंग रहा है कि मैनूं पेपर देने की परमिशन दीती जाए, कोई गल नहीं हाफ एन आवर देते हैं। हर साल की बच्ची परफॉर्मर है, हर साल बच्ची फंक्शन होस्ट करती है, हर साल डबिंग करती है, एड बनाती है स्कूल लई, ता इन्हां ने कुछ नहीं सोचा कि असी बच्चा स्कूल लई साडे लई कर रहे हैं कि अगर एक मिनट 8:01 पे बच्चे की एंट्री है, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बावजूद भी इन्होंने बच्चे नू कोई एंट्री नहीं दे रही, और प्रिंसिपल की कह रही है कि लर्निंग की जरूरत है, पेपर की जरूरत नहीं। और मैं प्रिंसिपल नू एक क्वेश्चन पुट किया है कि अगर तुहाडी पोस्ट तुहानू मिली है, तुहाडी लर्निंग करके नहीं मिली है, तुहाडी डिग्रीज करके मिली है, कल नू असी अपने बच्चे नू की कहांगे, बेटा को लर्निंग बहुत है, डिग्री कोई नहीं है, तो इन्हू अच्छी पोस्ट देती जाए। हुण तुसीं दसो कि इहदे बारे की होना चाहिए। और असी मैं अज 10 बजे तो उपर टाइम हो गया, असी पिछले 2.5-3 घंटे इत्थे खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे नू पेपर देता जाए, देन दित्ती परमिशन दित्ती जाए, और बच्चे परमिशन दे ही नहीं रहे बच्चे नू, और बच्चा बीमार है, उपरों कह रहे नहीं जी कोई लोड़ नहीं है, कोई लोड़ नहीं साडे लई, मतलब बच्चे ने अज तक अपने इस स्कूल लई सब कुछ दिता, सारियां चीजां कीतियां, पर अज बच्चे नू एक मिनट दी। मैं इन्हां नू कहा कि रजिस्टर चेक कर लो कि पिछले 5 सालों च बच्ची अगर एक मिनट भी लेट आई होवे, हाँ जी चेक कर लिया जी कोई लेट नहीं आई, उसके बावजूद भी पेपर वाले दिन जिहड़े कि फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी एक मिनट की परमिशन नहीं दी जा रही है। मतलब इस तरह का स्कूल जिहड़ा कि असी लोगों ने बनाया, अज ये स्कूल इस लेवल से पहुंच गया, क्यों? क्योंकि साडा बच्चा पिछले 15 सालों तो 10 सालों तो इत्थे पढ़ रहा है, और असी कॉन्टीन्यूसली इन्हां नू पैसे दे रहे हैं, फीसिस भर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और बावजूद भी साडे नाल जरा जा भी कॉम्प्रोमाइज करन नू रेडी नहीं। बच्चे का फ्यूचर, जिहड़ा बच्चा बीमार है, पेपर देना चाहता है, रो रहा है कि मैनू सिर्फ परमिशन देती जाए, मैं बीमार हूं, मैनू फीवर है, मैं मेडिकल रिपोर्ट दे सकना, असी रात में इन्हू सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जमा कराना सी, पर इन्हें कहा नहीं मैं पेपर देना, मैं उसके बाद एडमिट हो जाऊंगी, बट पहले मेरे लिए एग्जाम जरूरी है, और बावजूद हूं बच्चा ठीक है, बच्चा परमिशन मांग रहा है, पर नहीं ये इन्होंने परमिशन नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि नहीं साडे रूल्स है, मतलब जो बच्चा आज तक स्कूल लई करदा रहे वो सब वेस्ट हो गया, सिर्फ परमिशन इन्हां लई, रूल्स इन्हां लई, वो चीजा जरूरी है। मेरा नाम पूनम गोविंद राम है, मैं सिटी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, सिटी पब्लिक स्कूल मनसूदा, और आज यहाँ पर 3 केसेस हुए हैं सेपरेट, जो हमारे लिए डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, डिसिप्लिनरी एक्शंस थे, लेकिन उसको काफ़ी ब्लोट अप कर दिया गया है, और 3 डिफरेंट केसेस हैं, मैं आपको तीनों के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट इज राजवीर वर्मा, क्लास 7th का बच्चा है हमारा, इनकी 6 मंथ से कोई फ़ी नहीं पे हुई है, बहुत बार इनके पास हम लोगों ने रिमाइंडर्स भेजे हैं, फी रिमाइंडर्स भेजे हैं, उसके बाद 8th सितंबर को फिर एक मैसेज शूट आउट हुआ है